मांझी जी के इस सवाल का मतलब यही है कि आम जनता को कष्ट नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, जो तारी का व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं आपके साथ प्रेमराज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी ने कहा कि ताड़ी पर से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको हटा दे। इसी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि अगर जीताराम मांझी महागठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो सरकार उनके बयान पे संज्ञान लेगा। यानी साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो जीताराम मांझी बयान दिए हैं उस पे महागठबंधन के सरकार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संज्ञान लेंगे और उनके जो दिए गए बयान है उस पर विचार करेगा। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि मांझी के बयान का भी अब संज्ञान लिया जाएगा। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। पीसीबीआई सर, जीताराम मांझी ने कहा है कि तारीख पर से प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए, पासी समाज के जो लोग मांग कर रहे हैं वो जायज है, तारीख जूस है। जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं, महागठबंधन के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल उनका उनके विचारों को सरकार संज्ञान में ले रही है और जो माकूल उपाय हो सकता है उनके प्रतिबंध हटाने से मकसद इतना ही था कि जो अनावश्यक रूप से गरीब लोग जो गिरफ्तार हो रहे हैं या फिर उन पर कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाइयाँ जो है वो नहीं हो, बल्कि लोग माने ये जो चाहती है सरकार चाहती है जो पूर्ण नशाबंदी, उस नशाबंदी के साथ रोजगार के जो उपाय हैं उन उस तरफ सरकार बढ़ रही है, वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ। तो जीतन राम मांझी के इस मांझी जी के इस सवाल का मतलब यही है कि आम जनता को कष्ट नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, जो तारी का व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था हो और इस तरह की कार्रवाइयों पर तब तक रोक लगे जब तक मतलब व्यवस्था नहीं हो जाती। तो आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता को सुन रहे थे कि वो जो ताड़ी पर से प्रतिबंध लगाने के लिए जीताराम मांझी ने बयान दिया उसको लेकर कह रहे हैं कि सरकार इस पर संज्ञान लेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनकी बातों को सुनेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयान दिया गया है उनका कहना है कि मांझी जी किसी अलग भेद से कहना चाह रहे हो, भला कि जो मतलब है उसका लोग कुछ और निकाल रहे हैं, मगर मांझी जी का जो कहना है इस तरीके से कि जो लोग इस व्यवसाय में लगे हैं इसको छोड़कर अलग अलग व्यवसाय करते हैं तो वह बेहतर होगा। आपको बता दें कि जब कैबिनेट का बैठक हुआ था तो उस दौरान भी ये फैसला लिया गया था कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार उन्होंने फैसला लिया कैबिनेट के बैठक में कि जो लोग ताड़ी के बिजनेस में लगे हुए हैं उनको 1,00,000 रुपया का अनुदान दिया जाए ताकि वो कोई अलग बिजनेस करे। अब इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो ताड़ी बंदी को लेकर भी है वो बिहार में कहीं ना कहीं बवाल हो रहा है। जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग तरीके का बयान दे रहे हैं। जीताराम मांझी कह रहे हैं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए, तो जो RJD कोटे से मंत्री हैं उनका कहना है कि जो मांझी जी बयान दिए उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज़ का। लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।